हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टील के बारे में। हमने अराउंड 6 मेथड देखे थे उसमें कि हम लोग स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि हम कौन कौन से ऐसे अलॉयिंग एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं स्टील में और उनसे उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं। फिर लास्ट में हमने स्टेनलेस स्टील के बारे में देखा था। टोटल 3 टाइप्स में जो अपना स्टेनलेस स्टील है वो क्लासीफाई होता है। एक होता है मार्टेनसिटिक स्टेनलेस स्टील, फेरेटिक स्टेनलेस स्टील और ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील। ठीक है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आयरन कार्बाइड डायग्राम को। ठीक है, तो आयरन कार्बाइड डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम जो अपना प्योर आयरन होता है उसका कूलिंग कर्व को देख लेते हैं। प्योर आयरन में कूलिंग कर्व को देख लेते हैं। तो ये अपना जो कूलिंग कर्व है आयरन का, यही बेस है अपना आयरन कार्बाइड डायग्राम का। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि अपना जो आयरन है वो 1539 डिग्री पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये हमको मालूम है। तो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो 1539 डिग्री के बाद ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम लोग जब कूलिंग करेंगे, ठीक है, जब इसको हम कूलिंग करेंगे तो अराउंड 1539 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये कन्वर्ट होगा BCC में। इसको हम लोग डेल्टा आयरन में कन्वर्ट होगा ये। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है BCC स्ट्रक्चर, इसको हम लोग होते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक। ओके, अब उसको हम लोग फर्दर जब कूलिंग करते हैं तो 1394 डिग्री से जैसे ही वो नीचे आता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है गामा आयरन में। ओके, और जब इसको हम लोग कन्वर्ट कर थोड़ा और इसको कूल करते हैं तो 910 डिग्री टेम्परेचर से जैसे ही वो नीचे आता है तो ये कन्वर्ट होता है अल्फा आयरन में। ठीक है, और अल्फा आयरन में ये कन्वर्ट होता है। तो अब 910 और 770 डिग्री के बीच में जो अपना जो आयरन है वो प्रॉपर्टी शो करता है पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मतलब ये फुल्ली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ये पार्शियली, मतलब थोड़ा बहुत जो अपना मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, मतलब कंप्लीटली अट्रैक्ट नहीं होता, तो उसको हम पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और जब ये 770 से नीचे और जब ये इसको हम लोग क्या कहते हैं ठंडा करते हैं तो ये कम्प्लीटली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, इसको हमें फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, और ये अपना जो ग्राफ है वो है किसके, टेम्परेचर और टाइम के बीच में ये ग्राफ बना हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज़ की, अपना जो डेल्टा आयरन होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा फेराइट। ठीक है, डेल्टा फेराइट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और जो अपना जो गामा आयरन होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑस्टेनाइट, गामा ऑस्टेनाइट भी बोलते हैं। और अपना जो अल्फा आयरन होता है उसको अल्फा फेराइट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा कि हमने इसको किस तरह से कूल कर रहे हैं और इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स में इसकी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, 1539 और 1394 के बीच में ये BCC स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो रहा है, फिर BCC स्ट्रक्चर से फिर ये FCC स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है 1394 और 910 के बीच में। तो इस तरीके से ये क्या होता है, अपना स्ट्रक्चर चेंज करता है जब हम लोग इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर को मतलब कम करते हैं। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आयरन लूँ और इसको मैं हीट करूँ, अगर मैं इसको मैं हीट करूँ तो सबसे पहले ये अगर BCC आयरन मतलब जो अपना लूँ जिसका स्ट्रक्चर BCC होता है, अल्फा आयरन लूँ, तो इसको जब मैं हीट करूँ तो सबसे पहले BCC से FCC स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, 910 डिग्री जैसे पहुंचेगा तो BCC FCC स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, मतलब डेल्टा आयरन में, सॉरी गामा आयरन में कन्वर्ट होगा। इसको फर्दर में हीट करूंगा तो 1394 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें डेल्टा आयरन में। और ये फर्दर 1539 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं आयरन कार्बन डायग्राम में, यही अपना जो प्योर आयरन होता है इसमें हम लोग कार्बन जो होता है इसमें कार्बन को मिक्स करते हैं। अब कार्बन मिक्स करने के बाद जो अपना ये कर्व है इसमें वेरिएशन आता है। ठीक है, वेरिएशन आता है उसी कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन कार्बाइड इक्विलिब्रियम डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, जब हम लोग आयरन में कार्बन को मिक्स करने के बाद जो जो फेज चेंज होते हैं, जो उनका स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है उसको हम लोग आयरन कार्बाइड जो फेज डायग्राम बोलते हैं। ओके, अब जो अपना कार्बन कि जो सोल्युबिलिटी होती है आयरन में, ठीक है, वो डिपेंड करती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। ठीक है, क्या या तो वो BCC स्ट्रक्चर है या FCC स्ट्रक्चर है, तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इनके, इस पर ये डिपेंड करेगी कितना जो अपना कार्बन है वो सोल्यूबल हो रहा है इसमें। ठीक है, और टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी।
अब हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग आयरन को जब कार्बन से जब मिक्स करते हैं, आयरन को जब कार्बन से मिक्स करते हैं, तो अपना जो कार्बन है, अपना जो कार्बन है वो कहाँ लोकेट होता है? स्ट्रक्चर हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, जिसके जो अपना आठ कॉर्नर्स में होते हैं, आठ कॉर्नर्स में होते हैं आयरन होते हैं, और एक होता है सेंटर में, ठीक है, बॉडी के सेंटर में होता है। अब जितने भी स्पेसेस हो गए, ठीक है, जैसे अपना ये स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया, ये स्पेस हो गया, इसको मैं अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पे जाकर के कार्बन जो है अपना लोकेट होता है, जब हम लोग कार्बन को मिक्स करते हैं आयरन में, ठीक है। तो जब हम लोग इसको मिक्स करते हैं, तो अब हम लोग ये सारे जो भी लोकेशंस है वो हो गए कार्बन के। अगर हम टोटल कार्बन इसमें हम लोग काउंट करें, ठीक है, तो इसके जो फेस पे होते हैं, फेस पे जो होते हैं, जैसे इसके फेस, इस फेस पे यहाँ पे एक हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा कार्बन एटम आएगा, फिर इसके फेस पे कार्बन एटम आएगा, एटम आएगा, तो जितने भी खाली स्पेसेस है उसके उनके फेस पे एक कार्बन एटम एटम आएंगे, ठीक है। तो हमारे टोटल 6 फेसेस हैं, तो 6 कार्बन एटम आएंगे। और जैसे अगर मैं इसके सामने, ये एक यूनिट सेल है, तो इसके सामने और एक यूनिट सेल प्लेस करूं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो, जैसे अब इसका मैं अगर मैं 2D में देखूं, ये अपना इसका साइड व्यू हो गया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या क्या कार्बन को प्लेस किया, और ये अपना एक यूनिट सेल है, और मैं यहाँ पे और एक यूनिट सेल करूँ, तो ये जो कार्बन होता है ना वो शेयर होता है, ठीक है, दोनों जो यूनिट सेल में उसको शेयर करता है। तो अपना जो बॉडी, जो भी अपना बॉडी सेंटर्ड जो कार्बन एटम होता है, वो टोटल इसमें 1/2 पार्ट ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, हाफ पार्ट इस सेल में ऑक्यूपाई करेगा, और इसके जो भी एडजेसेंट जो सेल होंगे उसमें हाफ पार्ट ऑक्यूपाई करेगा। तो टोटल हमारे फेस पे 6 सेल हो गए, तो 6/2, तो टोटल यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, 3 कार्बन एटम मिल जाएगा, ठीक है। और इसके जो जितने भी, इसके जो भी साइड्स पे हैं, साइड्स पे टोटल हमें हमें 12 कार्बन एटम्स मिलेंगे। तो 12 कार्बन एटम्स जो होता है वो चार चार जो भी यूनिट सेल है उसे शेयर करता है। तो 12/4 अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो यहाँ पे 3+3 6 कार्बन एटम जो है यहाँ पे बॉडी सेंटर क्यूबिक में हमें मिल जाएगा। अब हम लोग आयरन आयरन की बात करें, जो अपना आयरन के जो एटम्स की बात करें, तो जो टोटल 8s जो होते हैं, टोटल जो 8s होते हैं वो उनके कॉर्नर्स में होते हैं, और जो अपना कॉर्नर्स में जो भी अपना आयरन एटम होता है वो 1/8 पार्ट ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें टोटल, इसके कॉर्नर में कितना हो गया अपने 8 जो है अपना, तो टोटल 8 आयरन एटम हो गए हैं। तो 8/2, सॉरी 8/8 करूँ तो टोटल 1 एटम हो गया कॉर्नर्स पे, और एक होता है सेंटर पे, ठीक है, एक सेंटर पे होता है, तो 1+1 टोटल 2 आयरन एटम्स में हमें जो भी BCC स्ट्रक्चर है उसमें हमें मिलते हैं। तो अगर मैं देखूँ तो एक एटम पे 3 जो अपना कार्बन एटम है वो बैठ सकता है, ठीक है, 3 सीट्स पर एटम, ओके। अगर मैं यही, इसी को अगर मैं FCC स्ट्रक्चर में देखूं, तो अपना टोटल FCC स्ट्रक्चर में टोटल 8 कार्बन तो कॉर्नर में हो गए। अब जो बाकी के जो भी एटम्स होते हैं, सॉरी कार्बन बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी, जो अपना जो जितने भी जो आयरन हो गए वो टोटल 8 कॉर्नर्स में हो गए, और एक एक फेस पे, एक एक फेस पे क्या होता है अपना आयरन के एटम्स होते हैं। तो हम इसमें अगर अगर मैं कार्बन को चेक करूँ, ठीक है, कार्बन को चेक करूँ, तो यहाँ पे अगर इसका मैं अगर मैं डायग्राम बनाऊँ ना, तो इस जैसे इसके बॉडी के जो सेंटर पे कोई भी आयरन एटम नहीं होता, तो वहाँ पे जा करके जो अपना कार्बन एटम जो होता है वो ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो टोटल 1 कार्बन एटम जो बॉडी के सेंटर में ऑक्यूपाई करेंगे, और टोटल उसी तरह से जो फेसेस पे जो होंगे वो टोटल 12 कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है। तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल 4 एटम्स जो होंगे उनके जो भी FCC स्ट्रक्चर में, हमें टोटल 4 कार्बन के एटम्स मिल जाएंगे, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आयरन के एटम्स के बारे में बात करें, तो टोटल 8 कॉर्नर्स में 8 एटम्स हैं, ठीक है। अब 8/8 अपना 1 जो होता है, सॉरी यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, तो टोटल इसके जो भी 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस पे, जैसे इसके 6 फेस पे एक एक जो है आयरन के एटम्स है। तो फेसेस पे हमें पता है कि 2 आयरन एटम्स, आयरन जो जो एटम्स होते हैं वो शेयर करते हैं। तो यहाँ पे 3 एटम्स उसके फेसेस पे हो जाएंगे, और उसके कॉर्नर में होंगे 8,
डिवाइडेड बाई 8 होगा 1, तो टोटल हमें 4 जो अपने आयरन के एटम्स हैं इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स में यहाँ पर 4 होगा, ओके। तो यहाँ पे हमें हमें देखने को मिला कि 1 सीट्स पर एटम है। अब इसको मैं कंपेयर करूँ बीसीसी स्ट्रक्चर से, तो यहाँ पे 3 सीट्स पर एटम थे और इसमें कितना है, 1 सीट्स पर एटम है, ओके। तो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि अपना जो FCC स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, और जो जो इसमें जो भी सोल्युबिलिटी होती है, कार्बन की जो सोल्युबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू FBCC स्ट्रक्चर, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कहाँ, इनवेरिएंट रिएक्शन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने जो 3 रिएक्शन है, पेरिटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन और यूटेक्टेड रिएक्शन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से जो अपना कार्बन का जो कार्बन जो आयरन कार्बन डायन का फेस जो इक्विपमेंट डायग्राम होता है उसमें हम लोग यही जो 3 जो रिएक्शन है उसको प्लॉट करते हैं और हमें डिफरेंट डिफरेंट जो भी स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अपना पेरिटेक्टिक रिएक्शन, जो पेरिटेक्टिक रिएक्शन होता है उसमें उसमें क्या होता है कि एक जो अल्फा सॉरी डेल्टा जो फेराइट होता है, या फिर सबसे अगर इजी वे में बात करूँ तो जो एक सॉलिड होता है वो एक लिक्विड के साथ कंबाइन करके एक सॉलिड बनता है, ओके। मतलब सॉलिड प्लस लिक्विड इक्वल टू सॉलिड, ठीक है। ये सिंपल वे में हो गया जो अपना पेरिटेक्टिक रिएक्शन में होता है। अगर मैं यूटेक्टिक रिएक्शन की बात करूँ तो एक जो लिक्विड होता है वो कन्वर्ट होता है एक सॉलिड सॉरी सॉलिड प्लस सॉलिड में कन्वर्ट होता है, एक लिक्विड जो होता है वो सॉलिड प्लस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और अपना यूटेक्टिक रिएक्शन की बात करूँ तो एक सॉलिड जो होता है वो दो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल्स में देखूँ तो हमने यहाँ पर देखा था कि डेल्टा आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा फेराइट बोलते हैं। तो अगर मैं एक डेल्टा फेराइड लूँ जिसका मैं कार्बन का परसेंटेज 0.08% कार्बन है, उसको मैं अगर मोल्टेन जो भी अपना आयरन था इसमें कार्बन का परसेंटेज 0.55% था, तो हमें मिलता है क्या, गामा ऑस्टेनाइट जिसमें कार्बन के परसेंटेज क्या होते हैं 0.18% कार्बन होता है। अब यहाँ पे मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो अपना जो डेल्टा फेराइड था वो कन्वर्ट होता है गामा ऑस्टेनाइट में, इसमें कार्बन के परसेंटेज 0.18% कार्बन है। इसका मतलब ये है कि ये है अपना BCC स्ट्रक्चर, ये है अपना FCC स्ट्रक्चर। अब PCC स्ट्रक्चर में और FCC स्ट्रक्चर में हमने कंपेयर किया तो देखा कि FCC स्ट्रक्चर में जो कार्बन की परसेंटेज है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू BCC स्ट्रक्चर। तो इससे हमें यह पता चलता है कि FCC स्ट्रक्चर की जो सॉल्युबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जिसमें FCC स्ट्रक्चर में जो कार्बन की जो सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू BCC स्ट्रक्चर, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया था, ठीक है। अब आते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन पे। तो हमें यूटेक्टिक रिएक्शन पे मिलता है एक लिक्विड जो है दो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अब एक लिक्विड है जिसमें कार्बन की परसेंटेज है 4.3, कार्बन की परसेंटेज मैंने ऐसे ली थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होता है दो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो एक होता है अपना गामा ऑस्टेनाइट और दूसरा होता है Fe3C, इसको हम लोग सीमेंटाइड या फिर कार्बाइड बोलते हैं, ओके। Fe3C में कन्वर्ट, और इस दोनों को मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं लीड बोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड बोराइड जो होता है अपना लेड बोराइड जो होता है वो होता है किसका, जो अपना गामा ऑस्टेनाइट है प्लस सीमेंटाइट का मिक्सचर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेड बोराइड बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है वो होता है 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अपना जो पेरिटेक्टिक का जो रिएक्शन होता है वो होता है 1495 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यूटेक्टोइड रिएक्शन पे। तो यूटेक्टोइड रिएक्शन में क्या होता है, एक सॉलिड कन्वर्ट होता है टू सॉलिड्स में, ठीक है। और अगर मैं गामा ऑस्टेनाइट का बात करूँ तो एक गामा ऑस्टेनाइट जो होता है वो कन्वर्ट होता है अल्फा फेराइड में और फिर सीमेंटाइट के मिक्सचर में, और दोनों के जो मिक्सचर होता है इसको हम लोग परलाइट बोलते हैं, ठीक है। अल्फा आयरन या फिर अल्फा अपना ले लीजिए क्या फेराइट सॉरी अल्फा जो फेराइट अल्फा फेराइट ले लूँ और प्लस Fe3C जिसको हम लोग सीमेंटाइट बोलते हैं, तो इसको ही हम लोग मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, परलाइट बोलते हैं, ओके। और ये जो रिएक्शन होता है 727 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं, ओके। अब हम लोग देखेंगे आयरन कार्बाइड फेस इक्विलिब्रियम डायग्राम। इसमें हम लोग ये जो तीनों रिएक्शन है उसको चेक करेंगे और देखते हैं कि कैसे ये सॉलिड जो है और लिक्विड मिक्स होकर के क्या बन रहा है अपना गामा ऑस्टेनाइड बन रहा है, ओके। तो
हमने देखा था कि अगर अपना जो प्योर आयरन था जिसमें 0% जो था वो क्या था, कार्बन था। सबसे पहले जो अपना आयरन कार्बन जो फेस हाइब्रिड आयरन होता है ना वो ग्राफ होता है, सॉरी, तो ये ग्राफ होता है टेम्परेचर और कार्बन परसेंटेज के बीच में। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर मैं इसको, मैं जैसे मैं ऊपर देखा था कि इसको मैं स्टार्ट से भी स्टार्ट कर सकता हूँ और नीचे से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, तो अगर मैं ऊपर से देखूँ तो हमें पता है कि 1539 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है, अपना जो आयरन है वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो ये जो अपना ये रिएक्शन है ना, रिएक्शन इसको हम लोग बोलते हैं पेरिटेक्टिक रिएक्शन, पेरिटेक्टिक लाइन हो गया ये, ठीक है। इसी पॉइंट पर ना पेरिटेक्टिक रिएक्शन होता है। अब पेरिटेक्टिक रिएक्शन में देखा था कि एक सॉलिड प्लस लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था इसमें सॉलिड में, ओके, सॉलिड में कन्वर्ट था, हमने देखा था पेरिटेक्टिक रिएक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे ये लिक्विड फेज है और ये हमने यहाँ पे छोटा सा ये देखा, ये है क्या अपना डेल्टा, डेल्टा क्या, सॉरी, डेल्टा क्या, डेल्टा फेराइट है अपना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लिक्विड है, ठीक है, वो क्या होगा, कूल होगा, कूल होगा, कूल होने के बाद टेम्परेचर 1539 और 1394 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बनेगा, डेल्टा क्या बनेगा, फेराइट बनेगा। और ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो है सबसे स्टार्टिंग में हमने देख लिया था, यहाँ पे हमने देख लिया था कि जब लिक्विड 1539 और 1394 के बीच में जब आता है तो ये बनता क्या है, डेल्टा फेराइट बनता है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। तो ये वही चीज़ है यहाँ पे हमने देखा, सॉरी सॉरी, हाँ, हमने देखा कि अपना जो लिक्विड है वो जब उसको ठंडा हो, जब हम उसको कूल कर रहे हैं तो 1539 और 1394 में के टेम्परेचर के बीच में यहाँ पे डेल्टा फेराइट बन रहा है, ओके। ये जो अपना है डेल्टा फेराइट है, और ये जो लाइन है ये कार्बन की परसेंटेज में बता रही है, ठीक है, ये कार्बन की परसेंटेज में बता रही है, ठीक है। अब देखिए जब ये ठंडा होगा, लिक्विड जब ठंडा होगा तो अब इस ठंडा होता है ये डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में तो कन्वर्ट हो नहीं जाएगा, ठीक है, ये पहले धीरे से सॉलिड होगा, मतलब 10% अगर सॉलिड हुआ फिर 20% सॉलिड होगा फिर 30% सॉलिड होगा, मतलब क्या कि एक फेज आएगा उसमें जब उसमें कुछ पोर्शन सॉलिड है और कुछ पोर्शन लिक्विड है, ठीक है। तो यही ये जो फेज है, ये जो फेज है यही वो फेज है, ठीक है। इस फेज में जो है, ये फेज में जो है क्या है, ट्रांजिशन फेज है सॉलिड और लिक्विड का, ठीक है। अब इससे थोड़ा फर्दर हम कूल करेंगे तो ये हमें डेल्टा फ्रेट हमें मिल जाएगा, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं कि अब ये जो पॉइंट हमें दिख रहा है ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यही है अपना क्या, पेरिटेक्टिक पॉइंट, क्या है, पेरिटेक्टिक पॉइंट। अब इस पॉइंट में हमने देखा था कि पेरिटेक्टिक रिएक्शन, और ये जो लाइन है ये पेरिटेक्टिक रिएक्शन का लाइन है। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि पेरिटेक्टिक रिएक्शन में जो एक लिक्विड होता है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सॉलिड, लिक्विड प्लस जो सॉलिड होता है, सॉरी, सॉलिड होता है वो कन्वर्ट होता है किसमें, सॉलिड में, हमने देखा था। अब इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या है, लिक्विड प्लस सॉलिड है, और ये जो है ये क्या है, सॉलिड है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट के बाद अपना जो लिक्विड प्लस सॉलिड जो था, ये जो लिक्विड प्लस सॉलिड था वो कन्वर्ट हो जा रहा है क्या, सॉलिड में, गामा ऑक्सीडाइड में, ठीक है। ये जो अपना रिएक्शन था ऊपर, अब इसको देखिए सेम वही है, अपना जो डेल्टा प्लस एल था वो रिएक्ट हो, जो अपना इसको कूल करते थे तो ये बनता था क्या, डेल्टा, सॉरी, गामा ऑक्सीडाइड बनता था, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉइंट के बाद क्या हो गया, ये गामा ऑक्सीडाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं। और इसका जो टेम्परेचर होता है
वो होता है 1495 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट, 1495 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है अपना जो पेरिटेक्टिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ तक इतना पोर्शन आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ, ये वाला लाइन जो ना 1148 डिग्री सेंटीग्रेड का जो लाइन है, ये है अपना यूटेक्टिक रिएक्शन वाला लाइन, ओके। ये अपना क्या है, यूटेक्टिक रिएक्शन वाला लाइन है, ये देखिए यहाँ पर 148 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हो रहा है, ठीक है। अब इसमें यूटेक्टिक रिएक्शन में क्या हो रहा था कि जो लिक्विड है दो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था, होप आपको याद होगा ये, ठीक है, दो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। अब देखिए ये अपना क्या है, लिक्विड है, ये अपना लिक्विड है, ओके। अब इस पॉइंट के बाद ये क्या हो रहा है, देखिए ये दो सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। एक है क्या, गामा ऑस्टेनाइट, और एक है क्या, सीमेंटाइट, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेड ब्यूराइड बोलते हैं, ठीक है, लेड ब्यूराइड बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको देख, देखिए गामा ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेड ब्यूराइड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें अब कार्बन की परसेंटेज में देखूं तो ये होता है 2% से लेके 4.3% तक, और इसको हम लोग, इस रेंज को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइपोयूटेक्टिक पॉइंट, हाइपोयूटेक्टिक रीजन। और ये जो इसमें कार्बन की परसेंटेज जो होती है 4.3 से 6.7 डिग्री जो होता है, सॉरी 6.7 परसेंटेज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोयूटेक्टिक पॉइंट, ठीक है। होप यहाँ तक अब क्लियर हो गया होगा। अब जो यहाँ पे जो फाइनल लाइन है ना, ये है अपना किसका, सीमेंटाइट का लाइन है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज होती है 6.67%। अब देखिए लिक्विड ये रीजन में है, अब ये कूल होगा, कूल होगा तो ऑब्वियसली अब ये जो ये रीजन है अपना सीमेंटाइट का रीजन है, 6.67 के परसेंट के पास 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 जब ये पहुंचेगा तो ये ऑब्वियसली सीमेंटाइट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जब ये लिक्विड तो है डायरेक्ट तो सीमेंटाइट में कन्वर्ट होगा नहीं, तो ये जो अपना फेज बनता है क्या, लिक्विड पर सीमेंटाइट का फेज बनता है, ठीक है। और यहाँ पे सेम जो लिक्विड है जब ये ठंडा होता है और ये ठंडा होने के बाद जो गामा, जब ये अपना जो गामा ऑस्टेनाइट में जब कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे जो फेज बनता है सेंटर में वो बनता है क्या है, लिक्विड प्लस गामा ऑस्टेनाइट का फेज बनता है, ठीक है। क्योंकि अब मैं इसको लिक्विड का कन्वर्ट करूँ डायरेक्ट से, तो ये तो होगा नहीं कि डायरेक्ट लिक्विड जो है डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो एक फेज आता है जिसमें कुछ परसेंट सॉलिड होता है और कुछ परसेंट क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लियर है, होप ये पूरा जो है अपना क्लियर है। अब हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे आते हैं। अब हमने देखा क्या, देखा कि 910 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 910 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक सेकेंड कलर चेंज कर लूँ इसका, ठीक है 910 डिग्री सेंटीग्रेड से जब नीचे आ रहा था तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, अल्फा फेराइट हमें मिल रहा था। अगर आपको याद ना हो तो यहाँ पे देखिए 910 से 710 पे हमें क्या मिल रहा था, अल्फा फेराइट मिल रहा था, इसको हम लोग अल्फा फेराइट बोलते हैं, ठीक है। तो हमें अल्फा फेराइट मिल रहा था। अब जब ये गामा ऑस्टेनाइट है, जब ये अपना गामा ऑस्टेनाइट है, जब ये कूल हो रहा है, तो ये कन्वर्ट होगा कितने कितने में, अल्फा फेराइट में कन्वर्ट होगा, और इसके बीच में ट्रांजिशन जो होगा वो होगा किसका, अल्फा प्लस गामा का होगा। यहाँ पे मैंने गलती से माइनस लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस होगा, ओके। यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्लस गामा होगा, ठीक है। तो ये अपना रीजन क्या होगा, अल्फा प्लस गामा का होगा, और फिर जब इसको ठंडा होगा तो ये पूरा सॉलिड बन जाएगा। अब यहाँ पे ये कर्व देखिएगा, कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कर्व। अब हमने देखा था कि जब वो प्योर आयरन पे जो वो जो हमने ऊपर देखा था वो प्योर आयरन का वो कूलिंग कर्व था, लेकिन इसमें जब हम लोग परसेंटेज अभी जिसमें कार्बन की परसेंटेज जीरो थी जो ऊपर वाले कर्व में, अब हम लोग यहाँ पे जीरो पे देखा तो ये सेम टू सेम वही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 910 के बाद ये अपना इस लाइन पे देखो तो ये अपना बन जा रहा है क्या, गामा ऑस्टेनाइट बन जा, फिर ये बन जा रहा है क्या अपना अपना डेल्टा फेराइट बन जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम जब इसमें कार्बन की परसेंटेज चेंज करते हैं ना, तो देखिए इसके जो भी कन्वर्जन, इसको जिसका फेस कन्वर्जन में कितना कम टेम्परेचर पे ये फेस कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे अगर मैं इस पर जब ना अल्फा फेराइट पे अगर कार्बन की परसेंटेज यहाँ पे 0.8 रखूँ, ठीक है, तो ये 723 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है,
723 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये गामा ऑक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है, और वैसे कितने डिग्री पे कन्वर्ट हो रहा है, 910 डिग्री कन्वर्ट पे गामा ऑक्सीडेंट पे कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस आ रहा है कार्बन की परसेंटेज को ऐड करने से, बढ़ाने से, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया 720, इसको फर्दर कूल करते हैं। अब ये देखिए ये जो लाइन है, तो जो अपना अल्फा फेराइट होता है जिसका स्ट्रक्चर BCC होता है, उसमें जो हम लोग कार्बन, उसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है 0.2% कार्बन होती है, ठीक है, 0.2% कार्बन होती है। अब हम लोग आते हैं यू टेक्टोइड रिएक्शन पे। यू टेक्टोइड रिएक्शन में हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि एक सॉलिड दो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, दो एक सॉलिड क्या हो रहा है, दो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग परलाइट भी बोलते हैं। इसके रिएक्शन के बाद जो हमें मिलता है वो परलाइट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट को कि ये है एक सॉलिड, ठीक है। अब ये सॉलिड इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है, दो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये देखा ये पॉइंट के बाद क्या होता है कि एक सॉलिड दो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, यू टेक्टोइड पॉइंट बोलते हैं, यू टेक्टोइड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब यू टेक्टोइड पॉइंट में जब ये बन रहा था, देखिए यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा था, तो ये हो रहा था किसमें, अल्फा फेराइट में, अल्फा फेराइट में प्लस किसमें, सीमेंटाइट में, ठीक है। इसको हम लोग मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, परलाइट बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये चेंज कर लीजिएगा कि यहाँ पे ये फेराइट प्लस ये सीमेंटाइट नहीं होता, ये होता है अपना अल्फा फेराइट प्लस सीमेंटाइट होगा यहाँ पे, ठीक है, इस रीजन में मैंने परलाइट लिख दिया, परलाइट प्लस सीमेंटाइट होगा, अल्फा फेराइट प्लस सीमेंटाइट होगा। अब इसमें जब कार्बन की परसेंटेज बढ़ती है तो ये अपना फिर से क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है किसमें, परलाइट प्लस लीड बोराइड में ट्रांसफर हो जाता है। और फिर जब 4.3 से जब आगे बढ़ता है इसमें कार्बन की परसेंटेज, तो ये हो जाता है सीमेंटाइट प्लस लीड बोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पे जब अपना कार्बन की परसेंटेज का रेंज जब 0.2 से 0.8 होता है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, ओके। और जब 0.8 से 2% के बीच में इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। तो ये चीज़ कुछ कुछ चीज़ें आपको नोट करनी है यहाँ से, और 0 से लेकर के 2% के बीच में जो हमें मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं। और 2 से 6.67 के बीच में जो हमें मिलता है उसको हम लोग कास्ट आयरन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना आयरन कार्बाइड डायग्राम, फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम हो गया। तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस आयरन कार्बाइड डायग्राम। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।